वी द पीपल समण संघ के अंदर अगर कोई व्यक्ति सुपर बनेगा, सुप्रीम बनेगा, तो वी द पीपल समण संघ उसी दिन अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसा उसका नियम है। और इसकी जो मेंबरशिप है उसके लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता। कोई अगर पैसा ले आपसे तो कान पे खींच के उसके दो मारिए। यहाँ सारी पॉलिसीज खुली हुई होती हैं। धन्यवाद। सुरा मेरे मज पम्मट कण वेर मुनि सिखा पदं समाधियामी। सुरा मेरे मज पम्मट कण वेर मुनि सिखा। जो व्यक्ति या जो समूह या जो समण समाज की एससी एसटी ओबीसी की राजनीतिक पार्टी या संगठन असामाजिक हो जाता है, समाज के विरुद्ध हो जाता है, वो अपने आप को बचाने के 100 बहाने गढ़ता है, क्योंकि ये उसका धंधा है, उसकी रोजी रोटी है, उसको मान सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, इज्जत मिलती है। तो 100 बहाने गढ़ने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। बहुत सारे लोगों से वी द पीपल की बात होती है, बड़े बड़े बहाने आते हैं, खास तौर से जिन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई हुई है उनसे अगर बात करें या सामाजिक संगठन बनाए हुए उनसे बात करें तो उनके बहाने बड़े कमाल के होते हैं। वो ये तो नहीं कहते कि हम ही नेता बनेंगे, हमको नेता स्वीकार कर लो, हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, हम ही काबिल हैं, और इस काबिलियत को प्रूव करने के लिए वो चुनाव कराने के लिए या संघ बनाने के लिए या संघ में आने के लिए या सबकी सहमति लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर 50 लोग एक साथ बैठेंगे तो वो उसको नेता नहीं मानेंगे, क्योंकि वो काबिल नहीं है, और अगर काबिल है तो उसको डर नहीं है तो उसको आना चाहिए। तो सारे के सारे जितने लोग हैं वो नाकाबिल लोग हैं, क्योंकि वो आपस में एक साथ बैठ के चर्चा करने को तैयार नहीं है। जो उनमें बेस्ट होगा वो आ जाएगा, या कोई बाहर से कोई बेस्ट होगा तो वो आ जाएगा। तो ऊपर होना चाहिए, बात तो संविधान की करेंगे कि सबको बराबर मौका है, मगर जो स्ट्रक्चर है अपने अपने संगठनों का वो मनुस्मृति पर आधारित, व्यक्तिवाद पर आधारित बना रखें। तो उनके परिणाम भी वैसे ही आते हैं, मैंने एक वीडियो उसका बनाया हुआ है। तो कैसे कैसे बहाने बनाते हैं, एक व्यक्ति ने पहले सामाजिक काम किया थोड़ा सा, फिर उसने कहा जी मैं 10 लाख लोगों को बौद्ध बनाऊंगा, और 10 लाख लोगों के बौद्ध का कहीं उसने देख लिया कि बाबा साहब ने बुद्ध बनाए थे, तो बुद्ध बनाने से उनका पूरी दुनिया में नाम हुआ तो मेरा नाम भी हो जाएगा। तो 10 लाख आदमी तो क्या आने थे, वो भी दिल्ली में। बहानेबाज बहुत तगड़ा था। उसके बाद वो सारी राजनीतिक पार्टी, और फिर उसने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली। हम तो धम्म के लिए गए थे, राजनीतिक पार्टी बदले छोड़ दिया। तो कहता है कि सबने राजनीतिक पार्टी बना ली है, राजनीतिक पार्टी बनाना अधिकार है, और बिना राजनीतिक पार्टी के कुछ हो नहीं सकता, इसलिए हमें राजनीतिक पार्टी बनाना हमारी मजबूरी है। अरे भाई श्रीमान घंटा प्रसाद, अगर राजनीतिक पार्टी बनाना मजबूरी है, राजनीतिक पार्टी बिना कुछ नहीं हो सकता, राजनीतिक पार्टी बनानी थी तो पहले सामाजिक काम करके क्यों लोगों को सपने दिखाए कि जी सामाजिक काम कर रहे हैं हम, और फिर क्यों धमका काम करने के लिए बाहर निकल आए, और फिर राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद में धमका काम भी छोड़ दिया और सामाजिक काम भी छोड़ दिया, तो कितने रूप बदलोगे लोगों को पता चलता है, इसलिए वो पार्टियां भी नहीं चलती। दूसरे व्यक्ति की सुनिए आप। महाराष्ट्र का एक नेता साहब काशीराम जी से इंस्पायर्ड, पहले उसने एक सामाजिक संगठन बनाया छोटा सा लड़कों का, उनको सामाजिक पाठ पढ़ाया, फिर सामाजिक पाठ पढ़ाते 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 धम्म का, और उसके बाद में फिर वो राजनीति का पाठ में राजनीतिक पार्टी बना ली। बात हुई हमारी, तो हमने कहा कि भाई देखो जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे हम जीत नहीं सकते, उसमें ईगो और अहम बहुत ज़्यादा है। पहले तो फ़ोन पर बात आसानी से हो जाती थी, अभी तो फ़ोन भी होना बड़ा मुश्किल है। तो कहता है कि संविधान में तो सबकी आज़ादी है, सबको बराबर मौके हैं, इसलिए राजनीतिक पार्टी बनाना मेरा अधिकार है, आप मुझको ऐसा नहीं कह सकते, और बाबा साहब ने ये संविधान का अधिकार दिया है। अरे श्रीमान घंटा प्रसाद, बाबा साहब ने इकट्ठे होने का भी तो अधिकार दिया है, संगठित होने का भी तो अधिकार दिया है। बाबा साहब ने कब कहा है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टी बनाना? कहीं बाबा साहब को स्टेटमेंट है कि मैं तुम्हें एक संविधान दे के जा रहा हूँ और तुम उसका फायदा उठा के और लोगों को बरगलाना और ये कहना कि हम अलग अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और वो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा और वो संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब देखे गए? अरे बाबा साहब की वो बात याद नहीं रहती कि बाबा साहब सबको संगठित होने के लिए बोल के गए हैं? और कोई एक स्टेटमेंट दिखा दो बाबा साहब का, जब बाबा साहब ने कहा हो कि तुमको 50 राजनीतिक पार्टी बनानी है या 100 सामाजिक संगठन बनाने हैं या 100 तुम्हें सरकारी कर्मचारियों के संगठन बनाने हैं या तुमको 100 लड़कों के दलबल बनाने हैं, अगर ऐसा होता तो वो अपने जीवन में 10-5 और बना जाते। उन्होंने एक ही राजनीतिक पार्टी बनाई, एक ही सामाजिक संगठन बनाया, एक ही उन्होंने लड़कों का दल बनाया जिसको समता सेन दल बोलते हैं, एक ही उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा बनाई। आपका काम नहीं चला, आप इतने होनहार निकले, इतने लाजवाब निकले,
बाबा साहब से भी सौगता मांगे कि आपने बाबा साहब के संगठनों के फटाफट टुकड़े कर दिए खूब सारे, जितने ज़्यादा टुकड़े होंगे उतने ज़्यादा वो होगी मजबूती, उनसे पेट नहीं भरा तो फिर लाखों और बना दिए, इतने संगठन बना दिए पूछो मत, क्योंकि बाबा साहब ने कहा ना संगठन बनाना है तो उसका पूरा फायदा उठाया। एक और मिला बामसेफ का, महाराष्ट्र का कलाकार, उससे कहा भाई ये क्या है राजनीतिक पार्टी क्यों बनाते हो, क्या कारण है और इतनी समझ नहीं है, पूरी दुनिया को कहते हो इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे हो जाओ, बस तुम कभी इकट्ठे हो गए और ये राजनीतिक पार्टी बनाई है क्या इसका? तो वो कहता है वोटर किसी का गुलाम नहीं है, वोटर को आप गुलाम बना के नहीं रख सकते, वोटर आज़ाद है, पार्टियां बनाई जा सकती हैं, खूब पार्टियां बननी चाहिए, 3% लोगों ने इतनी पार्टी बना रखी हैं तो 97% लोगों को कितनी पार्टी बनानी चाहिए, तो वोटर की इच्छा है, वोटर को गुलाम बना के नहीं रखना चाहिए, वोटर को ऑप्शन देने चाहिए, वोटर को बहुत सारी पार्टियां देनी चाहिए ताकि वो किसी को भी चुन ले। अब तर्क वितर्क कर लो भाई आप, मतलब वो ये तो कहता है कि वोटर गुलाम नहीं है और वोटर को आज़ादी होनी चाहिए, और खुद अपने संगठन में गुलाम बना के रखे हुए लोग, उस संगठन में अगर वो संगठन का व्यक्ति दूसरे संगठन में चला जाता है तो उसको संगठन का द्रोही घोषित कर देते हैं, तो दूसरे संगठन में क्यों जा रहा है? बेशक वो अपने सवर्ण समाज का है, SC ST OBT का है, तो ऐसी लाइन खींच रखी है वहाँ पर, मतलब वोट तो उनको सबका चाहिए मगर वो सब जगह नहीं जाएंगे, अपने ही काम करेंगे, और वो अपने टुकड़े भी कर लेते हैं, उन्होंने एक के टुकड़े दो और दो के चार और चार के आठ और दस टुकड़े कर रखे हैं और वो एक दूसरे को मान्यता भी देते हैं। मतलब हद हो रखी है कि हमें पार्टी बनानी है तो जस्टिफिकेशन ये है कि वोटर गुलाम है, और हमें पार्टी नहीं बनानी है तो जस्टिफिकेशन ये है कि हमारा आदमी कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, वो दूसरी पार्टी नहीं जाना चाहिए, वो हमारा गुलाम है, हम किसे कहेंगे नहीं। तो यहाँ गुलामी गुलामी में अंतर पैदा कर रखा है। ये उन लोगों की कहानी है जो समाज को जगाते हैं, जो जागरूक हैं, जो समाज की गारंटी लेते हैं कि हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, हम जागरूक लोग हैं, हम ये करते हैं। उनको इतनी समझ नहीं है कि भाई बाबा साहब ने कब कहा था कि तुम अलग अलग पार्टी बना के वोटर को जगाना, तुम्हारा काम तो ये था कि तुम लोग ये कहते कि सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए, हम सारे एक हैं, हमारा राइट है, अधिकार है, ऐसे नहीं मिलता है तो वैसे लेंगे, हम सब एक रहेंगे और जो व्यक्तिवाद में जाएगा, जो व्यक्ति संघवाद में नहीं जाएगा उसके हम विरोध में रहेंगे, तो सबको संघवाद में आना है। मगर वो नेता तो खुद ही व्यक्तिवाद में है और वो इसको किसी को बताते भी नहीं है कि तुम्हारा जो संगठन है वो व्यक्तिवाद पर आधारित है, संघवाद पर तो आधारित नहीं है। संविधान बचाने की बात करते हैं मगर संवैधानिक स्ट्रक्चर तो है नहीं, संविधान पे वो आधारित है ही नहीं, ना ही संविधान पे वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये एक किस्सा अलग है। उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति एक पार्टी बना ली किसी और के नाम से, सामाजिक काम करता किसी और के नाम से, मतलब नेता बनना है उसको, क्योंकि देखा है कि भाई नेतागिरी बहुत बढ़िया काम है, सबसे आसान काम है नेतागिरी, सबसे मुश्किल काम है लोगों को जगाने का। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति कहता है संविधान ने अधिकार दे रखा है हमको लड़ने का, चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का, इसमें आपको क्या तकलीफ है? अरे भाई हमको तो कोई तकलीफ नहीं है, मगर जिस व्यक्ति का नाम लेके तुम चुनाव लड़ रहे हो, जिस व्यक्ति की आइडियोलॉजी तुम बताते हो, जिसको तुम डॉक्टर अम्बेडकर कहते हो, उस डॉक्टर अम्बेडकर ने कब कहा कि तुम जो 16% 14% 12% लोग हो जो असंगठित हो उसमें इतनी पार्टी बना के संगठित हो जाओगे, या अलग अलग पार्टी बनाना, या बहुत सारी पार्टी बनाना, या अलग अलग तुम बाबा साहब का नाम लेना, कब कहा बाबा साहब ने? तो हमें ये एतराज है कि तुम बाबा साहब की बात को अपने हिसाब से मोड़ते और तोड़ते हो और ऊपर से बुद्धिमान बनने की गारंटी देते हो, ऊपर से तुम कहते हो कि हम ही बुद्धिमान हैं, हमारे अलावा कोई और बुद्धिमान है नहीं, हम इंटेलेक्चुअल हैं। तो लड़ो चुनाव लड़ो, कौन मने करता है, इकट्ठे होके लड़ो, इकट्ठे होके आओ, उसमें फ़ायदा होगा। हालांकि 16% लोग जो खाली शेड्यूल कास्ट हैं या ST भी इसमें मिल जाएँ और वो 21% हो जाएँ सारे मिल गए तो भी एक झंडा नहीं उखाड़ सकते, कहीं कोई MLA नहीं बनने वाला 21% में, अभी तो 51% चाहिए, अभी तो वोटों का संग्रह हो चुका है, ध्रुवीकरण हो चुका है। अब ये ध्रुवीकरण अगर आपको समझ में नहीं आता है और आपको लगता है कि अभी 30% पर जीत जाएगा, अभी 20% पर जीत जाएगा, तो वो दिन चले गए, अब ध्रुवीकरण हो चुका है, आपके बहुत सारे लोग दूसरे पाले में जा चुके हैं, क्योंकि आपका पाला कभी बना ही नहीं, आप कभी इकट्ठे हुए नहीं, आप खुद टुकड़ों में हैं, तो टुकड़ों वालों के साथ कौन रहेगा? तो रणनीति और स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक हो जाओ, वो उसे भी नहीं मानते, क्योंकि सभी व्यक्ति खुद ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अकेले प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनका संविधान में यकीन नहीं है। संविधान कहता है भारत गणराज्य संघ है,
और वो बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, संघ का सिद्धांत है, उसमें वो बिल्कुल भी हिस्सा लेना नहीं चाहते, क्योंकि संघ की एक दिक्कत है कि संघ में कोई व्यक्ति बहुत तेज हो सकता है, बहुत काम करने वाला हो सकता है, मगर संघ जिसको चुनेगा, संघ जिसको ठीक समझेगा, उस व्यक्ति को अधिकार देगा कि वो किसी को रिप्रेजेंट कर सके, वो भी संघ के आदेश के अनुसार। यानी जैसे संविधान में जो प्रधानमंत्री बनता है वो लोकसभा की इच्छा के अनुसार बनता है, अपनी इच्छा से नहीं, और वो काम भी वही करेगा जो लोकसभा में पास होगा। तो इसलिए लोग संघ की बात को दरकिनार कर देते हैं, उससे इत्तफाक नहीं रखते हैं, उसका विरोध करते हैं। इसलिए वी द पीपल समण संघ का लोग विरोध करते हैं, क्योंकि वी द पीपल समण संघ व्यक्तिवाद पर आधारित नहीं है, वी द पीपल समण संघ संघ पर आधारित है। वी द पीपल समण संघ किसी से पैसे, पब्लिक से पैसे नहीं लेता, ना कभी लेगा। वी द पीपल समण संघ के अंदर अगर कोई व्यक्ति सुपर बनेगा, सुप्रीम बनेगा, तो वी द पीपल समण संघ उसी दिन अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसा उसका नियम है। और इसकी जो मेंबरशिप है उसके लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता, कोई अगर पैसा ले आपसे तो कान पे खींच के उसके दो मारिए, यहाँ सारी पॉलिसीज खुली हुई होती हैं। धन्यवाद। Single, single, good charm.